बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र पर जमकर निशाना साधा है। न सिर्फ रणबीर आलिया बल्कि आयान मुखर्जी और करण जौहर पर भी खूब तंज कसा है। दरअसल कंगना का तंज कसते हुए एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, आयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म ब्रह्मास्त्र को दर्शकों से मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसी बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ब्रह्मास्त्र की सोशल मीडिया पर खूब धज्जियां उड़ाई। उन्होंने फिल्म के मेकर्स पर भी तंज कसते हुए इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट की, जिसमें ब्रह्मास्त्र को नेगेटिव रिव्यू शेयर करते हुए लिखा, ऐसा तब होता है जब आप झूठ बेचने की कोशिश करते हैं। करण जौहर हर शो में लोगों को ये बात कहने के लिए मजबूर करते हैं कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर बेस्ट एक्ट्रेस हैं और आयान मुखर्जी एक जीनियस है। अब धीरे धीरे वो इस झूठ पर विश्वास करने लगे हैं। इसी बात का सबूत है कि 600 करोड़ के बजट वाले फिल्म को एक ऐसे डायरेक्टर को दे दी जिसने अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छी फिल्म नहीं बनाई। कंगना ने आगे लिखा, इस फिल्म की फंडिंग के लिए भारत में फॉक्स स्टूडियो को खुद को बेचना पड़ेगा। इन जोकरों की वजह से और कितने स्टूडियोज को बेचना पड़ेगा। कंगना केवल यही नहीं रुकी, उन्होंने आयान मुखर्जी को जीनियस कहने वालों को जेल भेजने की बात तक कह डाली। कंगना रनौत ने आगे कहा, जो लोग आयान मुखर्जी को जीनियस कहते हैं उन्हें तुरंत जेल में भेज देना चाहिए। उन्होंने इस फिल्म को बनाने में 12 साल लगा दिए, 14 DOP बदले, 400 दिनों से ज्यादा में इस फिल्म की शूट किया और 85 ED बदले। ऐसा करके उन्होंने 600 करोड़ रुपए फूंक दिए। साथ ही उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाई है। साथ ही कंगना रनौत का गुस्सा करण जौहर पे भी फूटा। एक्ट्रेस ने लिखा, इस फिल्म को लेकर करण जौहर जैसे लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए। वो अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट से ज्यादा दूसरों की सेक्स लाइफ में इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं। उन्होंने खुद ये कबूल किया है कि वो रिव्यूज, स्टार्स, झूठे कलेक्शन नंबर्स और टिकटों को खरीदते हैं। इस बार उन्होंने हिंदुत्व और साउथ वेब का सहारा लिया। एकदम से सभी पुजारी बन गए और उन्होंने अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए साउथ के एक्टर्स, राइटर्स और डायरेक्टर्स से भीख मांगी। बहरहाल कंगना रनौत का पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर अब वायरल हो रहा है।